अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम विजिट करेंगे दसमला घर। बैगेटन लाहौर में घर मौजूद है और ये आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया। 40 फीट रोड पे ये घर लोकेटेड है और ये आप व्यू कर सकते हैं। 100% डेवलप एरिया है। आसपास फुली जो है घर बने हुए। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू। फ्रंट एलिवेशन में ये राइट साइड पर इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया और इसके साथ ये टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं। और इसके साथ ये विंडो दी गई है, फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की विंडो, और बहुत ही खूबसूरत इसके साथ ये बालकनी दी गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके टेरेस में ये रेलिंग दी गई है, ये आयरन वर्क हुआ है यहाँ पे। और ये ग्रे कलर में इसके फ्रंट एलिवेशन पर रोपल किया गया और ये टाइबर के साथ ये आप पैच व्यू कर सकते हैं। ये मोज़ेक वर्क हुआ है, ये ऊपर टॉप पे माशाल्लाह लिखा गया, ये मोज़ेक वर्क हुआ है इसकी ममटी में। ये इसके बिल्कुल सामने ये इसका गैराज का व्यू। ये इसकी फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है, रोपल किया गया, यहाँ टाइल वर्क हुआ है, लाइट्स दी गई हैं। और ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन आयरन मेटल में से तैयार किया गया, आयरन रोड में ब्लैक और गोल्डन कलर में से पेंट किया गया। और ये इसके रैंप का गैराज का व्यू, ये आप व्यू कर सकते हैं। 2x2 की यहाँ टाइल यूज़ की गई है और ये इसके गैराज में जो है ये आप देख सकते हैं, ह्यूज स्पेस दी गई है इसके गैराज में। यहाँ क्या, यहाँ पे आपकी 2 से 3 बड़ी गाड़ियाँ इजली पार्क हो सकती हैं। ये बिल्कुल सामने इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, ये ब्रिक्स डिज़ाइन में आप देख सकते हैं। ये वुड वर्क हुआ है इसके साथ, ये फ्रेम शेप में मोज़ेक वर्क हुआ है। यहाँ ये इसके फ्रंट वॉल को डिज़ाइन किया गया, ये एंट्रेंस के साथ राइट साइड पे आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ है। यहाँ पे इस वॉल को डेकोर किया गया और ये इसके साइड 5 फीट गली दी गई है। इसी साइज में गली इस घर की बैक साइड पर दी गई है। ये इसके गैराज का फुल व्यू और ये लेफ्ट साइड पर एंट्रेंस के साथ ये फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है बिल्कुल सामने। और ये आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ ये ग्रास वर्क हुआ है, टाइल वर्क हुआ है, ये सिटिंग के लिए बेंच दिए गए हैं। और ये इसमें विंडो दी गई है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम की विंडो है, आप देख सकते हैं। UPVC की विंडो दी गई है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है, बालकनी दी गई यहाँ पे। ये इसका टेरेस है और ये इसके गैराज का व्यू। ये इसके गैराज का सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है बिल्कुल सामने। ये मेन डोर है और ये लेफ्ट साइड पर ड्राइंग रूम का डोर है। ये मेन डोर से हम एंटर होंगे। ये इस डोर का फुल व्यू ये आप देख सकते हैं, इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया। ये इसकी एंट्रेंस है, ये बहुत ही खूबसूरत लॉबी दी गई है यहाँ। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सेंट्रल या इंस्टॉल है और एंट्रेंस के साथ राइट साइड पे स्टेज दी गई है, स्टील स्टेज दी गई है। ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेगी और ये यहाँ पे स्टेज के साथ पाउडर रूम दिया गया। और ये आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ टाइल वर्क सिंक या इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई है, इसकी साइड गली की तरफ अपन अपनी एग्जास्ट या इंस्टॉल है। ये कमोड यह इंस्टॉल है। ये इसकी लॉबी का फुल व्यू और ये इंट्रेस के साथ लेफ्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत ये वॉल डिज़ाइन की गई है। और आप देख सकते हैं ये ग्लास पैनल यूज़ किया गया, यहाँ वुडन वर्क हुआ है फुली। इस वॉल को लाइट्स दी गई हैं, डिज़ाइन किया गया, ये सीलिंग डिज़ाइन, सेंट्रल या इंस्टॉल है। ये डबल हाइट स्टेज दी गई हैं। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया का मेन डोर, ये मेन डोर से हम इंटर होंगे और इंट्रेस के साथ आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाइडर व्यू है इसका, एक्सटेंसिव लुक के साथ इसे डिज़ाइन किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, शेंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है बिल्कुल सामने। ये फीचर्स मीडिया वॉल दी गई है और ये आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ वुडन वर्क हुआ है, ग्लास यूज़ किया गया, ये शीट वर्क हुआ है, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू दूसरी साइड से, ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस है और ये 2 बेडरूम दिए गए यहाँ। और ये फ्रंट साइड पे ये ड्राइंग रूम एरिया दिया गया, नीचे ग्राउंड पे ये 2x4 की टाइल आप व्यू कर सकते हैं। पहले हम इसका ये ड्राइंग रूम एरिया विजिट करेंगे और ये आप व्यू कर सकते हैं। ये वाइडर जो है, इसमें ये डोर डिज़ाइन किया गया जो इसके ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से सेपरेट कर रहा है, ग्लास इसमें यूज़ किया गया। ये इसका ड्राइंग रूम एरिया, बिल्कुल सामने ये विंडो दी गई है जो फ्रंट से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। और ये डोर है, ये इसके गैराज की तरफ ओपन होगा, ये इसके ड्राइंग रूम का डोर है। और ये ड्राइंग रूम की फ्रंट वॉल आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ बहुत ही खूबसूरत ये कलर शेड में ब्लू कलर में ये टाइल वर्क हुआ है, ये पैच दिया गया टाइल का, ये आप देख सकते हैं। नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक खूबसूरत ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, शैंडल या इंस्टॉल है। और ये इसमें आप देख सकते हैं ग्लास पैनल यूज़ किया गया और ये वुडन फ्रेम। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, ये बिल्कुल सामने ये वॉल डिज़ाइन की गई है, ये मिरर वर्क हुआ है, ये आप देख सकते हैं वुडन वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसके लिविंग एरिया का फुल व्यू और ये इसका ड्राइंग रूम एरिया। ये ड्राइंग रूम हम विज़िट कर चुके हैं, ये इसका लिविंग एरिया ये हम विज़िट कर चुके हैं। और ये नीचे बिल्कुल सामने 2 बेडरूम दिए गए हैं और ये किचन स्पेस है। पहले हम इसका ये किचन दिया गया, ये पहले हम इसका ये किचन विज़िट करेंगे और ये आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ग्रे कलर में ये किचन कैबिनेट में ये शीट यूज़ की गई है वाइट और ग्रे कलर में। नीचे ग्राउंड पर यह कम्प्लीट वुडन फ्लोर डिज़ाइन किया गया। ये स्टोव यहाँ पर इंस्टॉल है,
ये एग्जास्ट दिया गया, ये सिंक दिया गया, यहाँ ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है, ये विंडो, ये डोर, इसकी साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रहे हैं, और ये किचन डिवाइसेस में आपके पास की माइक्रो ओवन या इंस्टॉल है, और ये रेफ्रिजरेटर की स्पेस दी गई है। ये इसके किचन का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये कैबिनेट दी गई है, नीचे नीचे ग्राउंड पर कंप्लीट ये वुडन फ्लोर, इस तरह इसका किचन डिज़ाइन किया गया। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, ये गए इसके लिविंग एरिया का व्यू, और ये दो बेडरूम दिए गए हैं। पहले हम इसका फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई जो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये 3D वॉलपेपर में ये निश दी गई, यहाँ पे वुडन वर्क हुआ, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल, नीचे ग्राउंड पे ये 2x4 की टाइल्स की गई है वाइट और ग्रे कलर में, और ये बिल्कुल सामने ये फ्रेम दिया गया वुडन, और इसमें ये वॉलपेपर यूज़ किया गया, और ये इसमें मीडिया वॉल दी गई है। ये इसमें वॉशरूम का व्यू, वॉशरूम से पहले ये कवर्ड वार्डरोब दी गई है, और ये इसमें किचन का कमोड, शावर सेट इंस्टॉल है, और नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक की आप देख सकते हैं टाइल, वैनिटी दी गई है, इलेक्ट्रिक मिरर, शावर सेट इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई, एग्जास्ट इंस्टॉल है, ये सीलिंग डिज़ाइन। ये हम वापस आ गए इसके रूम में, ये इसके बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम का डोर है, ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी, ये बेड साइड वॉल आप देख सकते हैं ये ग्रे और वाइट थीम में बहुत ही खूबसूरत ये इसकी वॉल को डिज़ाइन किया गया, वुडन वर्क हुआ या ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, नीचे ग्राउंड पर ये 2x4 की टाइल, ये इसमें वार्डरोब, और ये इसमें वॉशरूम का फ्लोर, ये वैनिटी दी गई है, मिरर, कमोड, ये इसमें टाइल वर्क, शावर सेट या इंस्टॉल है, एग्जास्ट या इंस्टॉल है, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये विंडो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, ये दो बेडरूम दिए गए, ये हम विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं, और बिल्कुल सामने ये इंटरेस्ट के साथ राइट साइड पे किचन स्पेस, ये किचन आप विजिट कर चुके हैं, और ये फ्रंट पे ये ड्राइंग रूम दिया गया, और ये इसका लिविंग एरिया, इस तरह इसका ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया गया। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे, इसके लिए हम वापस आ गए इसकी लॉबी में। ये स्टील स्टेज दी गए हैं, और स्टेज स्टेप पे ये लाइट्स दी गई हैं, और ये ग्रेनाइट का यूज़ किया गया, और बिल्कुल सामने ये वॉल डिज़ाइन की गई है, वुड ग्लास पैनल इसमें यूज़ किया गया, वुड वर्क वगैरह लाइट्स दी गई हैं, और ये हम ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पे इसकी लॉबी में। ये स्टेज के साथ लेफ्ट साइड पे, फ्रंट साइड पे ये टेरेस है, टेरेस का डोर है, ये इसकी लॉबी का व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, शैंडलियर या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पे ये टाइल वर्क, और ये इसकी लॉबी से स्टेज साइड का व्यू, और ये आप देख सकते हैं ये ख़ास बात इसमें ये लॉबी में बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेसिंग को डिज़ाइन किया गया, ये सीलिंग डिज़ाइन इसका, और ये इसके लिविंग एरिया का मेन डोर। पहले हम इसका ये लिविंग एरिया विजिट करेंगे, ये आप देख सकते हैं टूरिंग लिविंग एरिया इसका डिज़ाइन किया गया, बिल्कुल सामने ये वाइडर व्यू में फ्रंट कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई, यहाँ पे शीट वर्क हुआ, वॉल पेपर यूज़ किया गया, ग्लोब या इंस्टॉल है, और ये यहाँ पे निश दी गई, या ये यहाँ पे निश दी गई, वुडन वर्क हुआ, लाइट्स दी गई, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, नीचे ग्राउंड पर ये बहुत ही खूबसूरत जो है कलर टोन में 2x4 में ये टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं, और ये वुडन स्ट्रिप डिज़ाइन की गई हैं, ये कॉर्नर पे ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है ये इसकी वॉल की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ये इसका लिविंग एरिया, और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं मास्टर जो है इसका किचन स्पेस दी गई है, मास्टर साइज में किचन स्पेस है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही जो है एक्सटेंसिव लुक है इसकी, किचन का व्यू, वाइडर व्यू है इसका, और ये ब्लैक एंड वाइट जो है इसमें है, इसको कलर शेड दिया गया इसकी कैबिनेट को, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, बर्नर हुड या इंस्टॉल है, कंप्लीट जो है वॉल के साथ टाइल वर्क, ये सिंक दिया गया, विंडो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी, एग्जास्ट दिया गया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है, ये इसके लिविंग एरिया का व्यू किचन से, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है इसका इसकी कलर ट्यून है, और ये कलर थीम आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया।
और ये इसका किचन हम कंप्लीट से कर चुके हैं। और ये काउंटर टॉप पे ये ग्रेनाइट यूज़ किया गया है यहाँ। ये इसका लिविंग एरिया हम विजिट कर चुके हैं। ये दो बेडरूम बैक साइड पे दिए गए हैं लिविंग एरिया में। ये बेडरूम्स के डोर हैं और ये थर्ड बेडरूम इसकी फ्रंट साइड पे दिया गया। इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया। पहले हम इसका ये बैक साइड का फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई, इसके साथ ये निश दी गई है। वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया वुड वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये तो वॉलपेपर यूज़ किया गया फ्रेम शेप में। 2x4 की ग्राउंड की टाइल यूज़ की गई और ये इसमें सीलिंग डिज़ाइन, फैन ये इंस्टॉल है। ये वार्डरोब आप देख सकते हैं जो है ह्यूज साइज में, ये फुली वॉल में इसे डिज़ाइन किया गया। बेड साइड वॉल के सामने ये रेडी यूनिट दिया गया, मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई इसके साथ। ये वॉशरूम का व्यू ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये। और यहाँ में वैनिटी दी गई, इलेक्ट्रिक मिरर या इंस्टॉल है। और ये नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं टाइल वर्क, और ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग में टाइल वर्क हुआ है। ये इसमें विंडो दी गई जिसकी बैक गले की तरफ ओपन होगी। एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, ये सीलिंग डिज़ाइन, शावर सेटिंग इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में। ये इसके बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया। बिल्कुल सामने विंडो दी गई, इसकी बैक गल की तरफ ओपन हो गई। और ये बेड साइड वॉल बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, ये सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे। ये टाइल वर्क, ये इसमें वार्डरोब दी गई है, ये इसमें मीडिया वॉल, ये वॉशरूम का व्यू, ये वैनिटी दी गई है, इलेक्ट्रिक मिरर, कमोड या इंस्टॉल है, शावर सेट ग्रे और वाइट थीम में ये आप देख सकते हैं, और डार्क ग्रे में ये टाइल वर्क हुआ है। ये विंडो दी गई, इसकी बैक गले की तरफ अपना एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये इस वॉशरूम का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में। ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। ये दो बेडरूम दिए गए बैक पे, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। बिल्कुल सामने किचन स्पेस, ये हम विजिट कर चुके हैं, ये मीडिया वॉल। और ये इसमें थर्ड बेडरूम दिया गया, ये फ्रंट साइड का बेडरूम है। और ये आप व्यू कर सकते हैं, ये मास्टर साइज में ये बेडरूम डिज़ाइन किया गया। ये डबल निश दी गई यहाँ पे, वुड वर्क हुआ है, वॉल पेपर यूज़ किया गया, ग्लोब इंस्टॉल है, ये मीडिया वॉल दी गई है। बिल्कुल सामने ये विंडो दी गई है, बालकनी दी गई है, और ये विंडो सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। ये सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। और ये इसमें वार्डरोब दी गई है, ये इसमें वॉशरूम का व्यू बिल्कुल सामने, बहुत ही खूबसूरत ये वाइट कलर में वैनिटी दी गई है। ये मिरर, इलेक्ट्रिक मिरर दिया गया है, एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। ये विंडोज़ के टेरेस की तरफ ओपन होगी, शावर सेटिंग इंस्टॉल है। ये कमोड नीचे ग्राउंड पे ग्रे कलर में टाइल यूज़ की गई है। ये इस वॉशरूम का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए बेडरूम में। ये बेडरूम का फुल व्यू, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में। ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये फ्रंट साइड पे बेडरूम, ये लिविंग एरिया किचन स्पेस, और ये दो बेडरूम बैक पे दिए गए। इस तरह इसका लिविंग एरिया या फर्स्ट फ्लोर इसका डिज़ाइन किया गया। और ये हम वापस आ गए इसकी लॉबी में। बिल्कुल सामने ये लास्ट में हम टेरेस विजिट करेंगे अभी फर्स्ट फ्लोर पे। ये आप देख सकते हैं टेरेस में कंप्लीट टाइल वर्क है, और ये स्टील रेलिंग दी गई है यहाँ पे। ये इसके टेरेस का डिज़ाइन आप व्यू कर सकते हैं। और ये इसमें विंडो दी गई है टेरेस में, और ये पैच दिया गया, ये टाइल वर्क हुआ है कम्प्लीट। यहाँ लाइट्स दी गई हैं, बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और ये वाटर यूनिट दिया गया यहाँ। ये इसमें साइड 5 फिट गली दी गई है, इसी साइड में गली है, बैक साइड भी दी गई है। ये विंडो नज़र आ रही है, ये विंडो इसकी साइड गली और बैक गली की तरफ वेंटिलेशन के लिए ओपन की गई है। अभी हम इसकी रूफटॉप और मल्टी विजिट करेंगे। हम वापस आ गए इसकी लॉबी में। ए प्लस इस घर के कंस्ट्रक्शन है, अर्ली अप्रूव्ड ये ब्लॉक है, और काफ़ी डिसेंट वर्क हुआ है इसमें। लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पर बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया इस घर में। नीचे ग्राउंड पर भी ड्राइंग रूम की, लिविंग एरिया की स्पेस बड़ी अच्छी है। बिल्कुल सामने ये छत का मेन डोर है, और ये इसकी ममटी आ गई। ममटी में आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है सर्वेंट रूम स्पेस दी गई है, सीलिंग डिज़ाइन, ये विंडो दी गई, और इसमें ये वॉशरूम दिया गया, सिंक या इंस्टॉल है, एशियन सीट कंप्लीट, यहाँ टाइल वर्क, एग्जॉस्ट या इंस्टॉल है, ये सीलिंग डिज़ाइन। ये इसकी छत का मेन डोर कंप्लीट, यहाँ मार्बल वर्क का व्यू कर सकते हैं।
और ये ब्लॉक का व्यू, 100% डेवलप ब्लॉक है ये। 490 स्क्वायर की डिमांड है। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है या बरेखा टाउन में अपना कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।